बढ़िया बना है। कल क्या क्या पढ़े थे यार। यह कल पढ़े थे ना शायद हम लोग। कॉपी फाइल बात करता हूँ मैं। और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? हाँ शायद सो गए सब। चलिए, सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है। यही सही है। बड़ा अपराध होता है भाई। हम भी मन में, हमको भी गाली बकने का मन करता है जब उठाने लगता है कोई। तो जे चैप्टर 3 करता हूँ मैं इधर, ठीक है? इन सारा कोड को डिलीट कर दो ना, आपको तो कोई समस्या होगा नहीं। हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा और हटा दीजिएगा। ग्रुप में डाल दें? कौन है आपको? पर्सनल भेज देते हैं, ग्रुप में कहाँ डालें आप? हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दें। वो पर्सनल भी भेज सकते हैं। आपको पर्सनल में भेज दे रहा हूँ, ग्रुप में क्या डालें? ओके तो एरे का इतना कॉन्सेप्ट तो जो है क्लियर ही होगा मुझे लग रहा है। हाँ क्लियर। कुछ पूछना तो नहीं होगा आपको? पूछना है? नहीं नहीं पूछना है इसमें ना। कुछ और लूप भी होते हैं फॉर लूप के अलावा। फॉर लूप के अलावा यहाँ फॉर ईच लूप होता है, मैप वगैरह होता है। हम देखेंगे बारी बारी से, आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना? आराम से जो है देखेंगे, जैसे जैसे मन करेगा। और जो है जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना? बाकी जो है देखा जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे डेटा, और इसको कर देंगे रन। और एक आके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल में आएंगे तो ये देखिए आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर ईच लूप, ठीक ना? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, हाँ आ रही है आवाज, आ रही ओके। है, ऑडियो बने हैं। ये जो है फॉर ईच लूप हो गया, ठीक है? फिर से लिख दो फॉर ईच लूप की, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो ये फॉर ईच लूप है, इसमें एक एक ठो ऑब्जेक्ट, एक एक ठो एरे का एलिमेंट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना? डाटा क्या है ये डाटा? मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक ना? हाँ देखिए, फॉर हो गया EACH, फॉर ईच हो गया, इसको कर दीजिए ऐसे, लगा दीजिए सेमीकोलन, ठीक है? चाहे मत लगाइए, ठीक है। आपका हाँ मर्जी है तो, ठीक है? फिर इसके अंदर लिखिए फंक्शन, ठीक है? फंक्शन ठीक ऐसे लिखिए और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दीजिए ऐसे, ठीक है? फिर यहाँ पे है। आके एंटर मार दीजिए, ठीक है? और फिर यहाँ पे कंसोल करिए, ठीक है? अब क्या होगा कि इसके अंदर ये जो फंक्शन है ना, ये हाँ उतने बार चलेगा जितना कि एलिमेंट होगा इस एरे में, ठीक है? तो फॉरिच जो है सीधा एरे पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे एरे है मेरा, इसी पे मैंने फॉरिच लगाया, और इसके अंदर लिख दिया मैंने फंक्शन को, राइट? तो ये फंक्शन उतना बार चलेगा जितना बार एलिमेंट होगा, ठीक है? अब इस एलिमेंट को इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करूँगा, कोई एक नॉर्मल वेरिएबल ले लूँगा, डेटा, ठीक है? अब इस डेटा के अंदर इसका एक एक ऑब्जेक्ट आएगा, एक बार चलेगा तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरा बार ये लूप चलेगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा लिख देंगे। तो यहाँ पे डेटा में क्या आएगा, S1 आ जाएगा पहला बार, दूसरा बार में ये आ जाएगा, और फिर ये डेटा को प्रिंट करना है, जैसे नेम को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और नेम लिख देंगे, ठीक ना? तो ऐसा जो है हम प्रिंट कर लेंगे, डेटा इज नॉट अनडिफाइंड एनोमस। ये क्या हो गया भाई, एकरा शायद आपने कहा वो ब्रैकेट लगा दिए ना, ब्रैकेट सही यहाँ वो। हाँ ये सेमी कॉलन। बात है, तेगरा सही बुरा मान गया।
ऐसे तो पूरा हम ही मान लेंगे। कॉनकॉर्ड इज डेटा इज नॉट डिफाइंड। ये जो सेमीकोलन लगा ना डाटा के बाद, ये बात है, इसको आप कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा ना, ठीक है बात ये नहीं नहीं सुन लीजिए, बात ये है कि हम ये गलत लिख दिए हैं डॉट नेम, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं रन, तो यही सब है, ठीक है। तो एरे का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और हमें क्लियर हो जाए, इसलिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लें क्या? बना लीजिए। देखिए इन सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और बहुत नहीं एक छोटा सा सिंपल प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैं करूँगा कि यहाँ पे आऊँगा, लेबल टैग ले लूँगा, यहाँ पे नेम लिख लूँगा, ठीक है, इंटर नेम, और फिर यहाँ पे कर लूँगा इनपुट टाइप में नेम दे दूँगा, इसमें नेम दे दूँगा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसी को जो है हम, मैं डिजाइन उजाइन कुछ नहीं कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप वगैरह का कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हम सीखेंगे ना बूटस्ट्रैप भी, बूटस्ट्रैप हाँ कहेंगे तो देख लिया जाएगा, आप जो कहें हम एग्री हैं, ठीक, ये चलने देते हैं फिर लगाते हैं उसका भी, ठीक ना। तो नेम है यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं टेक्स्ट ही रहने देता अभी, ठीक ना। हाँ ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बी आर टैग उठो दे देता हूँ, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है, और नीचे एक ठो लगा लेता हूँ बटन, ठीक ना, सेव कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक, ऐसा सेव कॉन्टेक्ट मैंने लिख दिया, इसमें मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है, आईडी नेम दे देंगे आईडी में, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, इसमें दे दूंगा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल दे दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो इस तरह का यूजर इंटरफेस है, कोई बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, ठीक है, लेकिन काम चलाने के लिए काफ़ी है। सेव कॉन्टेक्ट आ गया नीचे, जैसे ही सेव करें हम कॉन्टेक्ट तो नीचे आ जाया करे, सेव हो जाया करे, ठीक ना। तो ये है ये स्क्रिप्ट टैग। तो मैं क्या करूँगा, हमने अभी एरे पढ़ा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लेट लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कॉन्टेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे, तो ये क्या बन गया, एम्प्टी एरे, ठीक है, एम्प्टी एरे बन गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही सेव कॉन्टेक्ट पे कोई क्लिक करेगा तो इसमें हम जो है डेटा डाल दिया करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे इसी एरे को हम टेबल के फॉर्म में दिखा देंगे, ठीक ना। तो बड़ा आसान काम है, तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि इस बटन को भी आईडी में दे दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे भी ऑन क्लिक पे हम जो है दे सकते हैं, लगा सकते हैं इवेंट ऐसे, ठीक है, जैसे कि इंसर्ट डेटा ऐसे, ठीक है, कॉल कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं ये नहीं काम, ये काम मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अलर्ट पास कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ इंसर्ट, ठीक है, और जैसे ही मैं रिलोड करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो इंसर्ट मेथड कॉल हो गया ना। तो मैं इस तरह से फंक्शन को नहीं कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दे दूँ इसको मैं एक ठो आईडी, और यहाँ पे लिख दूँ सेव पीटीएम, सेव हाइफन बीटीएन, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा, ठीक है, और लेट करूंगा बीटीएन या फिर सेव अंडरस्कोर बीटीएन, ठीक है,
आप ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है, फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट doc डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, यहाँ पे आईडी दे दूंगा मैं, ये वाला आईडी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो क्या हुआ, इसका मतलब तो अब बटन है ना, इसका मतलब अब बटन है, ठीक है। कंसोल डॉट अगर मैं लॉक कर दूंगा तो आपको बटन दिखाई देने लगेगा, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करके दिखाने का तो जरूरत नहीं था, कहे कि आप तो जान रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं जो है प्रिंट कर दिया हूँ इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम इवेंट लगा सकते थे, अब हम क्या करेंगे, इस पे ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे इवेंट लगाएंगे, ठीक है, डॉट ऑन, ठीक है, PLICK, ठीक है, ऐसे किए, अब यहाँ पे हम ऐसे इवेंट लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलर्ट लिख दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा सेव, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे आऊँगा ऐसे, अब इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए सेव मेथड चल रहा है ना, तो ऐसे ही जो है हम इवेंट लगाएंगे, ठीक है। बटन को मैंने सेलेक्ट कर लिया पहले और फिर जो है यहाँ पे ये ऑन क्लिक ना, सीधा यहाँ पे भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है दो लाइन में ब्रेक करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया ऐसे, ठीक है, अब मैं यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है एक एक ऑब्जेक्ट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं लेट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे ही ये सेव बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, इन दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स का हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल कुछ बना लेते हैं, वेरिएबल में नेम ले लेंगे और फिर बस वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे कर देंगे नेम, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट में वैल्यू लिख दूंगा तो सीधा VALU, सीधा वैल्यू जो है इस नेम वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू ही लिखते चल रहा हूँ, मैं पूरा एलिमेंट नहीं ले रहा हूँ इनपुट वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल, ठीक है, तो ये वेरिएबल को ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नेम नाम से बनाऊंगा, ठीक है, और कॉलन दे के यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, कॉमा दूंगा यहाँ पे और मोबाइल लिखूंगा और यहाँ से मोबाइल के नाम से ही वेरिएबल है हमारा। तो ये वाला जो है ये क्या है, हमारा प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आप क्लास बनाते थे तो क्लास में डेटा मेंबर बनाते थे, तो वही डेटा मेंबर ये है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये वाला नेम प्रॉपर्टी है और ये मोबाइल प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये वाला जो नेम है ना, ये वाला नेम ये वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे जो नाम होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोबाइल होगा वही मोबाइल यहाँ भी होगा, ठीक है। तो हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं आऊँगा, कॉन्टेक्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे CM लिख दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, इस पर क्लिक किया तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि इस वाले वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो डाल देते हैं, तो कैसे करेंगे कि हमने पुश मेथड पढ़ा था जो है उस समय पे, ठीक है, डॉट push पुश मेथड कॉल करेंगे और बस यही वाला जो कॉन्टेक्ट वाला वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम क्या अलर्ट में दे देंगे, अलर्ट में बोल देंगे कॉन्टेक्ट सेव, ठीक है, दे दिया मैंने मैसेज, ठीक है। आ जाता हूँ मैं यहाँ पे,
तो ऐसे ही हमने एंट्री मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दिया, सेव कर दिया, कॉन्टेक्ट सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसका डेटा हट नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हट रहा है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। इसका भी मोबाइल नंबर कुछ दे दिए, सेव कर दिए, सेव हो गया। देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए तो हमने अभी कुछ मेथड बनाया नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल ग्लोबल है तो हम कंसोल से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आल, कॉन्टेक्ट आ गया, एंटर किया, क्या हम यहाँ पे लिख दे कंसोल डॉट लॉग, एंटर मारा, ठीक है। तो देखिए दो ठो एरे आ गया है ना। अब देखिए यहाँ से जैसे और सेव कर दिया, एक बार और सेव किया मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि फिर से जब कंसोल डॉट लॉग करूँगा यहाँ से ना, ये देखिए तो तीसरा भी वेरिएबल आ गया, ये देखिए तीसरा में डुप्लीकेट डेटा आया है ना। तो इस तरह से जो है क्या करेंगे हम, डायनामिकली डेटा इंसर्ट कर लेंगे एरे में, ठीक। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का काम, राइट। अब हम क्या करेंगे कि मैं ये चाहता हूं कि जो है सेव करने के बाद ये एलिमेंट जो है खाली हो जाए, ठीक है। तो खाली भी तो हमें करना है, तो खाली करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर से इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तभी तो खाली करेंगे ना। तो इससे तो सेलेक्ट करने के लिए दोबारा हमें यही वाला लाइन लिखना पड़ेगा ना। तो ये वाला लाइन हमें ना लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू को डिलीट कर दूंगा यहां से, और यहां से भी ये वैल्यू को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, नेम में क्या चला गया, ऑब्जेक्ट चला गया, कौन सा ऑब्जेक्ट, नेम में ये वाला पूरा जो है एलिमेंट चला गया, ठीक है, नेम वाले वेरिएबल में, और मोबाइल वाले वेरिएबल में ये वाला पूरा मोबाइल वाला इनपुट एलिमेंट चला गया। कंसोल करके तुम्हें दिखाई दी, दिखाया ही था आपको पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेम डॉट वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पे भी नेम डॉट मोबाइल डॉट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे, ठीक है। नेम में पूरा इनपुट का एलिमेंट आ गया है, और मोबाइल में मोबाइल वाला पूरा जो है टैग आ गया है, ठीक है। तो टैग आ गया, टैग में हमने वैल्यू लगा के एक्सेस कर लिया। अब फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि नेम लिखा मैं, नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू असाइन कर दिया मैंने इसमें खाली स्पेस, ठीक है। और फिर मोबाइल में भी मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो हमको दोबारा पूरा एलिमेंट ये लाइन नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। और हमने क्या करा, सीधा जो है क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं टाइप कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, जैसे ही सेव कॉन्टेक्ट पर क्लिक करा, सेव कॉन्टेक्ट का मैसेज आया, फिर डेटा यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे, डेटा सच में सेव हुआ है तो उसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो ये देखिए एक ठोफ आ गया है एरे में, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने का काम हमारा हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, नहीं, नहीं, नहीं होना चाहिए इसमें दिक्कत। बस हमने करा क्या है, एक ठो बना लिया ऊपर में एरे यहाँ पे, और इसी एरे में हम डेटा जो है सेव कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से, यूजर से इनपुट लेकर के, यही काम हम बस कर रहे हैं इसमें, ठीक। तो इसमें तो दिक्कत होगा नहीं होगा, नहीं, नहीं। चलिए आगे चले यार। हाँ। अब आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं डेटा को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक टेबल बना के, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेव बटन में एक दे दूंगा बी यार, ठीक है, और यहाँ पे टेबल टैग जो है लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक तो टी आर टैग दे दूंगा ऐसे, ठीक है। टी आर टैग के अंदर क्या दे दूंगा, टी डी, और टी डी में पहले दे दूंगा नेम, और दूसरा बार में मैं क्या दे दूंगा, नेम के बाद क्या, मोबाइल दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखाऊं अगर रिफ्रेश करके, तो हमारा ये देखिए नेम और मोबाइल बना है। बॉर्डर दे देंगे तो बॉर्डर भी आ जाएगा, बॉर्डर वन दे दिया था आ गया बॉर्डर, ठीक है। ऐसा बीआर दे देता हूँ, सेल पेडिंग में मैं दे देता हूँ 3, और सेल स्पेसिंग में भी मैं 3 ही दे देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का जो है दिखाई देने लगा, ठीक है। या फिर सेल स्पेसिंग 0 दे देता हूँ, तो सेल स्पेसिंग जैसे 0 दिया तो ये खत्म हो गया डबल लाइन, ठीक है। पेडिंग में मैं 5 दे दूंगा, तो जो है बड़ा थोड़ा टेबल बना। 5 दे दूंगा, 10 दे दूंगा, 10 दे देता हूँ, बड़ा बड़ा दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। एक और टैग मैं ले लेता हूँ इसमें, एक्शन के नाम पे, ACTION, ठीक है। ये रहेगा एक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये हमारा जो है टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। मैं टी हेड भी लिख देता हूँ, टी हेड, ठीक है। टेबल का जो हेडिंग है वो टी हेड के अंदर होता है, ये सेमेंटिक एलिमेंट का नियम कहता है, ठीक है। तो मैं टी हेड और टी बॉडी भी दे दूंगा इसमें, ठीक है। और टी बॉडी में एक तो मैं आईडी दे दूंगा, आईडी में दे दूंगा डेटा, या फिर डिस्प्ले डेटा दे दूंगा, ठीक है, dis-data, ठीक ना। तो यहाँ तक मैंने क्या करा, बना दिया टेबल, ठीक। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें जो डेटा है, ठीक है, वो सारा डेटा को हमको शो कराना है कहाँ, तो हमें शो कराना है इस टेबल के अंदर, यही करना है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इसका डेटा जो है शो करा दूंगा, ठीक। कैसे शो कराऊंगा, बड़े आराम से गेट डेटा नाम से एक बना लेता हूँ मैं फंक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। अब एरे से डेटा निकालना कैसे है वो तो आप जानते ही हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डॉट फॉर ईच लगा लूंगा मैं, ठीक है, फॉर ECH, फॉर ईच, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं फंक्शन ऐसे। एनोनिमस भी बना सकते हैं यहाँ पे फेडरो फंक्शन वगैरह का इस्तेमाल करके, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ वो सब। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, मैं डेटा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, HTML, ठीक है, तो लेट HTML, ठीक है। और मैं बैकटिक लगा देता हूँ ऐसे, टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मैं, ठीक है, एंटर करा मैंने ऐसे TR, ठीक है, फिर लिख दूंगा TR, टेबल रो बन गया मेरा, और इसी के अंदर मैं बनाऊंगा TD, ऐसे TD, ठीक है, ऐसे कर दूंगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा मैं, पहला वाला कॉलम में डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल में बताया था कि ये बैकटिक वाला, नहीं बताया था, नहीं नहीं अभी बताया नहीं, अच्छा नहीं बताया है ना। ओ देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे बैकटिक देंगे और यहाँ पे बैकटिक देंगे, ये दिखाई दे रहा है बैकटिक वाला, नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये बैकटिक यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना होगा, जहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू लाना होगा, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डॉलर लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देंगे, ठीक है।
और फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नेम। ठीक, तो वेरिएबल नेम मैंने डेटा दे दिया, डेटा में मेरा नेम आ रहा है ना, डेटा में एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस नेम को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे क्या किया, डेटा डॉट नेम लिख दिया। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे भी मैं करूंगा, डॉलर का साइन दे दूंगा और फिर क्या करूंगा, डेटा डॉट नेम, नेम नहीं मोबाइल कर दूंगा, MOBILE मोबाइल लिख दूंगा ऐसे। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डिलीट का बटन बनाना है मेरे को, डिलीट या अपडेट का, तो मैं बटन बना लूंगा ऐसे, ऐसे यहाँ पे दूंगा डिलीट, और एक और बटन मैं बना दूंगा ऐसे EDIT। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एडिट हो जाएगा। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, आ जाऊंगा मैं नीचे और डॉलर, वो ये जेक्वेरी का इस्तेमाल मैं नहीं करना करूँगा, इसी फंक्शन में मैं क्या करूँगा, ऊपर गेट कर लूँगा जहाँ पे टेबल मेरे को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो लेट डिस अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर क्या, डिस्प्ले डेटा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेमी कॉलन तो अब देने का जरूरत नहीं पड़ता है, मेरा आदत है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम। ठीक है, तो ये जितना एलिमेंट होगा, जितना मतलब एलिमेंट होगा एरे के अंदर, जितना लेंथ होगा उतना बार ये फॉर लूप चलेगा, तो ये कोड बनेगा ना। अब हम क्या करें, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएंगे ऐसे और यहाँ पे डॉट इनर HTML, इनर HTML। ठीक है, इनर HTML तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो इनर HTML में मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा HTML ऐसे। ठीक है, हो गया काम। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलाया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, और सेव पे क्लिक किया, सेव तो हो गया लेकिन डेटा दिखाई नहीं दिया, क्यों? तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये गेट डेटा फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करें कि जैसे ही मैसेज आता है कॉन्टेक्ट सेव का, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको मेथड को हम कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पेज को रिलोड करता हूँ, यहाँ पे नेम में मैं कुछ भी दे देता हूँ और यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, सेव कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, सेव का मैसेज आ गया, ये देखिए डेटा आ गया ना यहाँ पे। फिर से मैं डेटा दिया और फिर मोबाइल नंबर दिया, सेव पे क्लिक किया, डेटा आ गया यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो तीन बार आ गया, मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, एक काम ऐसा कर दें कि देखिए ये वाला कोड तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमको क्या करना है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है हमें पहले समझते हैं कि सबसे पहला बार एक ठो एलिमेंट था एरे में, राइट, तो एक ठो जो है हमारा दिखाई दे दिया डेटा। ठीक है, जब दूसरा बार चला तो क्या एरे में क्या क्या एलिमेंट आया, ए भी आ गया और ए भी आ गया। ठीक, तो अब तो फिर दूसरा बार सेव करने के बाद ये दो ही एलिमेंट एरे में बचा है ना, तो दो एरे हमें दिखाया, दो एलिमेंट दिखा दिया, लेकिन ए वाला जो एलिमेंट है ऊपर का पहला, ये तो हमें पहले से दिख रहा था ना HTML में, राइट, तो दिख रहा था, तो इसीलिए ये दिख रहा है अभी भी। ठीक है, और ये जो है नया डेटा आया हमारे पास दो ठो, राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करूंगा कि सबसे पहले तो जितना भी डिस्प्ले डेटा में जो भी कंटेंट है उसको क्या करो, उसको पूरा जो है खाली कर दो। ठीक है,
खाली करने के बाद जो है बाकी डेटा डाल दो इसमें, तो इससे हमारा काम बन जाना चाहिए अब, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे आ गया, इसमें फिर से डेटा डालूंगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। तो अब जो है पुराना डेटा जो है अपेंड नहीं हो रहा, अब जो है लेटेस्ट पूरा डेटा आ रहा है, राइट, आ रहा है प्रॉपर। तो इस तरह से जो है हम काम कर लेंगे, ठीक है। एक बराबर काम कर रहा है। एक चीज हम और करते हैं कि नेम के बगल में एक सीरियल नंबर भी हम देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 दे देना चाहिए ना हमें, तो दे देते हैं सीरियल नंबर भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टीडी ये बन गया TD, मैंने एक ठो कॉलम और बन गया ना। अब 1 2 3 4 काउंट करना है, ये लूप कितने बार चला, जितने बार लूप चला उतने बार हम यहाँ पे दे देंगे, यही करेंगे ना। तो उसके लिए हमें अलग से वेरिएबल बना के, जैसे यहाँ पे मैं लेटेक वेरिएबल बनाया, आई यहाँ पे असाइन कर दिया 0 और फिर यहाँ पे आया, ठीक है, आई प्लस प्लस करके यहाँ पे प्रिंट कराने का जरूरत, डॉलर आई यहाँ पे ऐसे लिखने का जरूरत हमको नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को डिलीट करेंगे, इस वेरिएबल को भी हम ऊपर जो डिक्लेयर किया है किया हूँ मैं डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक, यहाँ पे रहने दूंगा डॉलर आई, और फिर क्या करूँगा इसके बाद यहाँ पे आऊँगा कॉमा दे के यहाँ पे लिख दूंगा आई, ठीक। तो दूसरा जो पैरामीटर में हम वेरिएबल लेंगे इसमें क्या आएगा, इंडेक्स आएगा, ठीक, कि कितने बार लूप चला, ठीक है। अब हमने यहाँ एक ठो बढ़ा दिया है, तो ऊपर भी तो टेबल में बढ़ाना पड़ेगा ना एक ठो कॉलम, तो मैं बढ़ा दूंगा एस एन ओ, ठीक है, ठीक है, या ऐसे कर दो, ठीक है, ठीक, चलिए कोई भी हो। अब आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिया, फिर यहाँ पे अब ये बिना मतलब का डेटा मैं इसमें डाल रहा हूँ, खैर वो अलग बात है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से काउंट कर रहा है, ठीक है, तो 0 से ही लूप चल ही रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो कोई तकलीफ है यहाँ पे, मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है, ये कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देखिए 1 आ गया, फिर ऐसे ये देखिए 2 आ गया, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड जो है इंसर्ट भी हो रहा है और डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक। लेकिन कैसे हो रहा है, हमारा डेटा जो है डायनामिकली, पहले ब्लैंक एरे था, ब्लैंक एरे में हमने क्या करा है, डायनामिकली डेटा जो है इंसर्ट किया है, ठीक है, और फिर हमने क्या किया है कि डायनामिकली डेटा को डिस्प्ले भी कर दिया है, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं कोई, चलिए इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलें। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं कि हम डिलीट का काम करके देखते हैं अब, ठीक है, तो डिलीट का काम कर लें, क्या कहते हैं आप, कर लेते हैं, कल कर लें, ठीक है, कल कर लेते हैं डिलीट का काम जब आप कह रहे हैं तो, ठीक ना। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा, नहीं नहीं प्रोग्राम भेज दीजिएगा, चलिए आपको पर्सनली भेज देता हूँ मैं प्रोग्राम, ठीक ठीक, पहले इसको बंद कर देता हूँ मैं।